हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं शशांक की जेयर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके घर के हिसाब से कैसा इन्वर्टर और बैटरी आपको चूज करने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके घर के लोड के हिसाब से आपको कितने VA का इन्वर्टर चाहिए, कितने AH की बैटरी चाहिए, इन्वर्टर स्क्वायर वेव होना चाहिए या साइन वेव, बैटरी फ्लैट प्लेट होनी चाहिए या टॉल ट्यूबुलर, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूं। ऐसी वीडियो आपको शायद दूसरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके घर के लोड के हिसाब से इन्वर्टर कितने VA का आपको लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लाइट जाने के बाद आप जितने भी अप्लायंसेस चलाना चाहते हैं, आपके घर के कितने टोटल अप्लायंसेस हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लाइट जाने के बाद आप कितने अप्लायंसेस चलाना चाहते हैं उनके वॉट कैलकुलेट कीजिए। अब उनके वॉट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसी अप्लायंस पे जो भी आपका डिवाइस है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक स्टिकर लगा होता है जहां पर उसकी वॉटेज मेंशन होती है। बल्ब की बात करूं तो बल्ब पर भी होती है, फैन की बात करूं तो फैन पर, या और कोई अप्लायंस है तो उस पर वो मेंशन होती है। तो उस स्टिकर पे से उसकी वोल्टेज देखिए। अब जितने पंखे हैं उन सब की वोल्टेज ऐड कर दीजिए, जितने बल्ब हैं उनकी वोल्टेज ऐड कर दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि मेरा डिवाइस पुराना है उस पर स्टिकर नहीं है तो आप एक स्टैंडर्ड नंबर ले सकते हैं, स्टैंडर्ड नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर उससे पूछ सकते हैं। अगर ये सारी चीजें भी आप नहीं कर सकते तो एक क्लैंप मीटर आता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लैंप मीटर का लिंक मिल जाएगा, Amazon से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इससे आप चेक कर सकते हैं कि उस डिवाइसेस की वोल्टेज कंजम्पशन कितनी है। तो लाइट जाने के बाद आप जितने अप्लायंसेस चलाना चाहते हैं उनकी सबकी वोल्टेज ऐड कीजिए, जो टोटल नंबर आएगा। मान लीजिए मेरे घर के हिसाब से 500 वाट का लोड है, जो अभी तक मेरे को समझ में आ रहा है कि 500 वाट का मेरे को लोड चलाना चाहिए इन्वर्टर के बाद, लाइट जाने के बाद इन्वर्टर पे मुझे चलाना है। लेकिन एक चीज का दूसरा आपको ध्यान रखना है, जब भी ये सारे अप्लायंसेस आप ऑन करते हैं शुरू में तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा करंट लेते हैं जिसको जर्क लोड बोलते हैं। तो 500 वाट तो इन अप्लायंसेस का लोड आ गया, लेकिन हमें ये जर्क लोड भी कैलकुलेट करना है। उसके लिए 500 वाट को मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से, अब जो नंबर आएगा 625, यानी कि 625 टोटल वाट का लोड है जो लाइट जाने के बाद मुझे चलाना है। लेकिन जो इन्वर्टर होता है वो वाट में नहीं होता, वो मिलेगा आपको VA में। अब वो VA में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं बताता हूं। तो जो भी इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल है वो 100% एफिशिएंट नहीं होते, उसमें कहीं ना कहीं पावर लॉस होती है, किसी में 70%, किसी में 80% और किसी में 90%। तो अगर 70% है तो उसको आप लिख लीजिए 0.7, 80% है तो 0.8 और 90% है तो 0.9। अब जो आपका टोटल लोड आया था 625, इसको डिवाइड कीजिए 0.8 से या 0.9 से, जितने भी एफिशिएंट आपका इन्वर्टर है। उसके बाद जो टोटल आपका नंबर आएगा ये आपका VA है। अब इसमें नंबर ये हो सकता है कि आपका नंबर आया हो 781 VA, लेकिन इन्वर्टर आपको 781 VA का नहीं मिलेगा, या तो थोड़े कम का मिलेगा या थोड़े ज्यादा का। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी कम वाला VA वाला इन्वर्टर मत लेना, जितना आपका टोटल आया है नंबर उससे हमेशा ज्यादा का लेना, और ज्यादा में भी आपको काफी ज्यादा ऊपर तक नहीं जाना। 781 आया है, कोशिश कीजिए 800 VA का इन्वर्टर मिल जाए या उससे थोड़ा सा आगे पीछे मिल जाए, इतने का आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन्वर्टर चेक करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है या साइन वेव इन्वर्टर होता है, लेकिन वहां जाने से पहले एक चीज मैं आपको दूसरा समझाता हूं, नॉर्मल इन्वर्टर और UPS इन्वर्टर। अब क्या होता है, जब भी लाइट जाती है तो जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है वहां पर बहुत फ्रिक्वेंट एक माइक्रोसेकंड के हिसाब से एकदम से लाइट बंद होकर और फिर रीस्टार्ट होती है। अब आप कहेंगे कि माइक्रोसेकंड में क्या डिफरेंस है, इससे क्या पता लग रहा है? बिल्कुल इससे कुछ नहीं पता लग रहा, लेकिन दिक्कत ये आती है अगर कभी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या ऐसे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं जिसमें बैटरी कनेक्शन नहीं है, वो सीधा कनेक्शन पावर सप्लाई से ही चल रहा है, और एकदम से लाइट बंद होकर रीस्टार्ट होगी तो आपका कंप्यूटर भी रीस्टार्ट होगा। इसका मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो सेव नहीं हो पाएगा और दोबारा से लैपटॉप रीस्टार्ट हो जाएगा, कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा, तो हो सकता है आपका जो काम है आपने सेव नहीं किया था वो लॉस्ट हो जाए। तो अगर ऐसी चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं जहां पर आप बिल्कुल भी एक माइक्रोसेकंड के हिसाब से भी लॉस नहीं चाहते हैं, तो वहां पर आपको लेना चाहिए UPS, नॉर्मल इन्वर्टर नहीं, UPS, इसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसमें कोई लॉस नहीं होता, लाइट जाके और इन्वर्टर पर बैकअप स्टार्ट भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर क्या होता है, साइन वेव क्या होता है। तो पुराने जो इन्वर्टर होते थे वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर आते थे, लेकिन जो मॉडर्न इन्वर्टर आने लगे हैं वो साइन वेव इन्वर्टर आने लगे हैं। इसमें डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर थोड़ी सी आवाज करते थे और उसकी काफी सारी लिमिटेशंस भी हैं। वो नॉर्मल जो अप्लायंसेस होते हैं जैसे बल्ब हो गया या
पंखा हो गया, वो सारे स्क्वायर वेव इन्वर्टर पर बढ़िया चल जाते हैं। लेकिन जो हैवी अप्लायंसेज होते हैं जैसे आपका टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, अगर आप ये सब स्क्वायर वेव इन्वर्टर पर चलाने की सोचेंगे तो आपके ये अप्लायंसेज खराब हो सकते हैं। उसका रीजन ये है कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है आपके घरों पर वो एक फ्रिक्वेंसी पर आती है, वो फ्रिक्वेंसी है 60 हर्ट्ज़। अब दिक्कत ये होती है जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होते हैं जब वो बैकअप वाली इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करते हैं तो वो 60 हर्ट्ज़ की नहीं प्रोवाइड करते, उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहता है। और जब ये फ्लक्चुएशन वाली इलेक्ट्रिसिटी आप अपने अप्लायंसेज को दोगे तो आपके अप्लायंसेज खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में मैं रेकमेंड करूंगा हमेशा साइन वेव इन्वर्टर लीजिए, क्योंकि साइन वेव इन्वर्टर में ये फ्लक्चुएशंस नहीं होती है, वो जो इन्वर्टर होता है वो 60 हर्ट्ज से मैच करवा के इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करेगा। और इसमें दूसरा फायदा आपका ये भी है कि आज आप अगर स्क्वायर वेव इन्वर्टर ले लेते हैं, स्क्वायर वेव इन्वर्टर वैसे मैंने आपको बताया नहीं वो साइन वेव के मुकाबले सस्ता होता है, तो मान लीजिए आपने सस्ते के चक्कर में स्क्वायर वेव इन्वर्टर ले लिया लेकिन कल को आपके अप्लायंसेज खराब हो गए तो उतना पैसा आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो इसलिए स्क्वायर वेव इन्वर्टर को छोड़ के साइन वेव इन्वर्टर लीजिए। दूसरा एक प्लस पॉइंट साइन वेव इन्वर्टर का ये होता है कि इसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। डिफरेंस एक प्राइस का मैंने आपको बता दिया, प्राइस इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं इसलिए साइन वेव इन्वर्टर थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए तो अगर आप ज्यादा पैसा बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके अप्लायंसेज खराब ना हो, तो हमेशा साइन वेव इन्वर्टर ही लीजिए। तो ये था मेजर डिफरेंस इन्वर्टर्स के बारे में जिसमें मैंने आपको सारी चीज बताई कैसे कैलकुलेट करना है। अब बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। बैटरी की अगर बात करें तो नॉर्मल हम बैटरी आती है AH में। अब हमें नहीं पता कि हमारे घर के हिसाब से हमें कितने AH की बैटरी लेनी है, तो आपको सेम वही नंबर जो अभी आपके घर के लोड के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था, जैसे 500 वॉट और उसमें जर्क लोड मिला के 625 वॉट का लोड बैठा था। अब आपको बैटरी के लिए क्या करना है कि आपको 625 वॉट का जो ये लोड है ये कितने घंटे तक चलाना चाहते हैं आप लाइट जाने के बाद। मान लीजिए मेरे एरिया में 2 घंटे लाइट जाती है, आपके एरिया में 3 घंटे लाइट जाती होगी, तो आप 3 घंटे मान के चलिए कि डेली आपको 3 घंटे का बैकअप चाहिए। अब 3 घंटे के लिए 625 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, उसके बाद जो नंबर आएगा उसको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड किस नंबर से करना है, जो आपको बैटरी लेनी है। अब बैटरी 3 वोल्ट में अवेलेबल है मार्केट में, 12 वोल्ट की बैटरी भी आती है, 24 वोल्ट की बैटरी भी आती है और 48 वोल्ट की बैटरी भी आती है। तो मान लीजिए आप 12 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं तो 625 को गुणा कीजिए 3 से और उसको डिवाइड कीजिए 12 से, उसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 156, यानी कि जो आपकी बैटरी है वो 156 AH के आसपास की होनी चाहिए। अब इसमें भी सेम चीज इन्वर्टर वाली चीज होती है कि 156 AH की बैटरी आपको नहीं मिलेगी, उससे थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगी। तो सेम चीज इसके साथ भी कीजिए, हमेशा जो इसके आसपास का नंबर है 160 या 150 AH की बैटरी आप ले सकते हैं। ज्यादा बड़ी या ज्यादा बैटरी नहीं लगवाइएगा अपने घर पर। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 150 AH की एक नंबर आया, मैं 2 बैटरी लगा लेता हूं, बैकअप ज्यादा मिलेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, बैटरी दोस्तों तब ज्यादा अच्छा काम करती है जब वो अच्छे से चार्ज हो और अच्छे से डिस्चार्ज हो। अच्छे से मतलब जितना आप उनको चार्ज कर रहे हैं उतना आप उनको यूज भी कीजिए, लेकिन दिक्कत ये आती है कि अगर आप उनको ज्यादा यूज नहीं करेंगे, वो हमेशा फुल चार्ज रहेगी, तो उसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जाके कम हो जाती है। तो ये चीज आपको कंसीडर करनी है, कभी भी ज्यादा AH काफी ज्यादा AH की बैटरी आपको नहीं लेनी है, हमेशा लिमिटेड AH की लीजिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लीजिए। तो आपको बैटरी का भी अब पता चल गया है कि आपको आपके घर के हिसाब से कितनी AH की बैटरी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि वारंटी क्या होनी चाहिए इन्वर्टर और बैटरी की। इन्वर्टर की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में स्टैंडर्ड वारंटी जो मिल रही है वो 2 साल की वारंटी मिल रही है इन्वर्टर्स पे। तो जो भी आप इन्वर्टर लीजिए हमेशा देखिए 2 साल की कम से कम वारंटी उस पर होनी चाहिए, ज्यादा मिलती है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। सेम अगर बैटरी की बात करूं तो बैटरी के काफी डिफरेंट मॉडल्स हैं मार्केट में, काफी सारे ब्रांड्स के, जिसमें 3 साल कम से कम वारंटी आपको मिलती है, ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखने जाएंगे तो 6 साल तक की वारंटी भी मिलती है। तो बैटरी एक ऐसी चीज है जो काफी कॉस्टली है और मैं आपको रेकमेंड करूंगा ज्यादा से ज्यादा वारंटी वाली बैटरी लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा उसकी वारंटी होगी वो हमेशा उससे थोड़ी ज्यादा तो चलेगी चलेगी, और जितना ज्यादा चलेगी उतना लंबे समय के बाद आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी और यहां पर आपका पैसा बचेगा। तो ये हो गई वारंटी की बात। अब बैटरी में एक चीज और होती है जो मैं आपको बताना भूल गया, फ्लैट प्लेट बैटरी होती है एक नॉर्मल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और दूसरी होती है टॉल ट्यूबुलर बैटरी। तो आपको हमेशा टॉल ट्यूबुलर बैटरी ही कंसीडर करनी है। उसका रीजन ये है कि जो फ्लैट प्लेट बैटरी होती है उसके मुकाबले टॉल ट्यूबुलर बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा होती है। परफॉर्मेंस के अलावा इसकी अगर मैं लाइफ की बात करूं तो टॉल ट्यूबुलर बैटरी की जो लाइफ होती है वो फ्लैट प्लेट बैटरी के मुकाबले उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है, और ये फास्ट चार्ज भी होती है। फ्लैट प्लेट बैटरी की लिमिटेशन होती है, अगर वो हीट होती है तो उसके साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन टॉल ट्यूबुलर बैटरी में हीट का कोई इशू नहीं होता इसलिए वो फास्ट चार्ज हो सकती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, इसलिए हमेशा ट्यूबुलर बैटरी ही आप कंसीडर कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि किस ब्रांड की बैटरी हमें लेनी चाहिए। ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो माइक्रोटेक, ल्यूमिनस, लिवगार्ड, जितने भी ब्रांड्स हैं इन सबकी ऑनलाइन वेबसाइट है,
है, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेक कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या क्या चेक करना है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आप अपने घर के लोड के हिसाब से और बाकी जो एक्स्ट्रा फीचर्स मैंने आपको बताए हैं ये चेक कीजिए, और जिस भी ब्रांड में आपको सही मिल रहा है, कम से कम प्राइस में मिल रहा है, वारंटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है, उस ब्रांड के साथ आप प्रेफर कर सकते हैं। ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते तो ऑफलाइन आप अपने नियरेस्ट डीलर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नियरेस्ट डीलर को कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको पूरा अपना लोड हिसाब से बताइए, वो आपको रेकमेंड करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी डीलर जो शॉपकीपर है वो जो ब्रांड बताएगा आपको, वो जो मॉडल बताएगा, उसके हिसाब से मत जाइए, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये कंसीडर कीजिए। इसका रीज़न ये है कि शॉपकीपर हमेशा वो मॉडल आपको बताता है जिस पे उसको मार्जिन ज़्यादा पड़ रहा है, जिस पे उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसके प्रॉफिट से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने हिसाब से देखिए, जो मैंने पॉइंट्स बताए ये कंसीडर कीजिए। इन्वर्टर में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इन्वर्टर्स में आपको डिस्प्ले मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है, तो ये प्लस पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये नहीं है तो उसके हिसाब से आपको कोई लॉस होने वाला है, लॉस नहीं है, लेकिन ये प्लस पॉइंट्स है, अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको लेने चाहिए। इन्वर्टर में डिस्प्ले आप देखिए, काफी आजकल मॉडर्न इन्वर्टर्स हैं, वो ऐप के थ्रू आपके मोबाइल से कनेक्ट भी हो जाते हैं, जिसमें आप ऐप से उनको पूरा मॉनिटर कर सकते हैं, वो चीज भी आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको आपके घर के हिसाब से बेस्ट इन्वर्टर और बैटरी कैसे चूज करें वो एक एक पॉइंट डिटेल में समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। आपके जान पहचान में अगर कोई इन्वर्टर बैटरी खरीदने की सोच रहा है तो उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और अगर आपको ऐसी जानकारियां पसंद है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से रिलेटेड, सोलर प्रोडक्ट्स, इन्वर्टर और बैटरीज, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियो बनाऊं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।